Hello students of 12th class. In this video we discuss about the introduction of new chapter. Okay, and new chapter of first unit is Gauss's law. Okay, देखिए जो अभी तक हमने problems की है, articles की है previous chapter में, उन प्रॉब्लम्स में आपने जो भी प्रॉब्लम स्टडी की है वो रिलेटेड थी आपकी पॉइंट चार्जेस से. पॉइंट चार्जेस थे आपके पास या पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला ड्राइव किया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की. बट यदि आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो चार्जेस का जिसमें चार्ज आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ओके, तो यदि कंटिन्यूसली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस कंडीशन में उस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल एनर्जी होती है एटसेट्रा, उन्हें निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपके पास टूल्स है वो पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड है. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको बताएंगे कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होगी आपको. और जैसा कि एनसीईआरटी की यदि बात करें तो एनसीईआरटी में पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराई गई हैं पॉइंट चार्ज के लिए, और उसके बाद में गॉसिस लॉ स्टडी करते हैं और उसके बाद पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है. बट मैंने क्या किया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टडी की है फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना. तो अब हम बात करेंगे कि किसी चार्ज सिस्टम के लिए यदि चार्ज आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है या पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है तो उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा और किसने इसका सोल्यूशन आपको दिया, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर लेते हैं. उससे पहले मैं एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल की बात करूंगा कि जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और इसके कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो आपके पास इसके लिए एक फॉर्मूला निकलवाया था आपको, 1/4πε0Q/r2, वेयर आर इज द सेपरेशन बिटवीन देम, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यदि आपके पास यहाँ पर और भी पॉइंट चार्जेस अवेलेबल हो, सपोज कर लीजिए कि आपका एक पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, तो इन सभी के कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करने होंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर वेक्टर सम की हेल्प से आप यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन आप ही बताइए यदि ये चार्ज यहाँ पर ना होकर कंटिन्यूसली, मान लीजिए आपका एक स्फीयर है, क्या है आपका एक स्फीयर है, और उस स्फीयर की सरफेस पर आपका टोटल चार्ज कंटिन्यूसली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये कहा जाता है आपको कि इसके कारण जो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट दिस पॉइंट. तो उस कंडीशन में आप देखिए कि जो आपके पास टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वो आपके पास क्या है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो ये इस पूरे टोटल चार्ज को जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आपको पॉइंट चार्जेस में डिवाइड करना होगा. अब आप बताइए कि ये जो सरफेस है कितने पॉइंट से मिलकर बनी होगी, तो वो हम कह सकते हैं नॉर्मली आंसर कि अननोन है, यानी कि अनडिफाइन है. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो उन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा और उन्हें फिर आपको वेक्टरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करना होगा. देखिए दूसरी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखिए कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट होगी, और दूसरी बात यह है कि सभी पॉइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं. तो उस कंडीशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर वेक्टर सम की हेल्प से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर मैथमेटिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. तो ऐसी कंडीशन में हम अनादर टूल यूज करते हैं जो हमारी हेल्प करता है निकालने के लिए, और उसे हम बोलते हैं गॉसिस थ्योरम, ठीक है ना. तो अब इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो किससे करेंगे, गॉसिस थ्योरम की बात करेंगे. और गॉसिस थ्योरम आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, यदि कहीं पर आपका चार्ज क्या हो
डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बहुत लार्ज नंबर पर वहाँ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूस हो, जब मैथमेटिकली आपको बाई प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर गोसिस थ्योरम लगाते हैं। बट गोसिस थ्योरम भी सभी कंडीशन में अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ सिचुएशन में गोसिस थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसमें कुछ कंडीशन होंगी, उन कंडीशन को हम पढ़ेंगे और उन्हीं को बताएंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे और कहां पर अप्लाई किया जा सकता है गोसिस थ्योरम, ठीक है ना। तो गोसिस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना होगा, पढ़ना होगा, कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करना होगा। जैसे मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको पहले एक रेफरेंस फ्रेम स्टडी कर डिफाइन करना होता है, उसका एक ओरिजिन डिफाइन करना होता है, ऐसे ही कुछ आपको गोसिस थ्योरम से रिलेटेड पॉइंट्स को भी डिफाइन करना, टर्म्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए एक फैराडे साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने, मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कंसेप्ट रखा, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोसिस थ्योरम को समझेंगे, ठीक है ना। अब आप इसे देखें कैसे, कि आपको पता है कि जितना भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम फील्ड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप नॉर्मली जरा यहाँ पर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, क्योंकि आगे जो गोसिस थ्योरम आपको करना है वो टोटली एक मैथमेटिकल पार्ट है फिजिक्स का, तो वो सिर्फ आपको इतना समझना है कि फिजिक्स को इसकी ज़रूरत क्यों हुई, अदरवाइज सारा का सारा चैप्टर आपका एक तरीके से ये मानकर चलिए कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उसमें आपको फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट यूज़ नहीं करना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं एक फील्ड को शो करता हूँ, आप जरा देखिएगा कि वो कैसे। मान लीजिए आपका एक फील्ड कुछ इस टाइप का है, तो जनरली सी आप जरा देखिए, क्या आपने कुछ ऐसा कहीं पर देखा है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 11th क्लास में आपने बर्नौली थ्योरम में ऐसा एक डायग्राम बनाया था स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए, वाटर फ्लो के लिए, लिक्विड फ्लो के लिए। तो ये देखिए एक तरीके से ये फ्लो को शो करता है, यदि ये लिक्विड की बात होती तो ये लिक्विड के फ्लो को शो करता, बट ये यहाँ पर लिक्विड के फ्लो को शो ना करके ये किसके फ्लो को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो एक फ्लो है यहाँ पर, और इस फ्लो को हम नाम देते हैं एक तरीके से फ्लक्स। तो अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से डिफाइन किया जा सकता है, बट इसे हम रिलेट करते हैं किससे रिलेट करते हैं, वाटर फ्लो से। तो मेरा जो मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, कि जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में नहीं बता सकता, वो आप इस वीडियो के बाद जो आपको बताया जाएगा वो करें, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और मैं ऑन द बोर्ड उससे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा भी, लेकिन पहले आपको उसे पढ़ना होगा। तो आपको क्या करना है कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दो लाइन की डेफिनेशन है, बट वो डेफिनेशन आई कहाँ से, ठीक है ना। वो डेफिनेशन फॉर्म कैसे की गई, हमने रिलेट किया वाटर फ्लो से और वो डेफिनेशन बनाई गई, लेकिन वो कैसे रिलेट की गई, इसके लिए काफ़ी अच्छा एक डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके पास एनसीईआरटी की 12th की बुक होगी, उसमें जब आप गोसिस थ्योरम से रिलेटेड चैप्टर को वहाँ पर ओपन करोगे, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा। लगभग ये मान कर चले कि 1 पेज का आपका वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, और जो कि आपके वाटर फ्लो को किससे रिलेट किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स फ्लक्स से रिलेट किया गया, कैसे हम वाटर फ्लो को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो में, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर उसे जरा पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद कमेंट कीजिएगा, यदि कोई डाउट हो तो वह भी पूछिएगा। उसके बाद मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी, ठीक है ना। जैसे ही हम ये गोसिस थ्योरम वाला आपका पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने के बाद ये मानकर चलिए कि जैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की या 12th की जो आपका हाफ वॉल्यूम फर्स्ट है फिजिक्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके हम डेली लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते चलेंगे, तो वहाँ पर हमें पहुँचना है। तो प्लीज़ रीड द नोट ऑन
in the NCERT book of the chapter Gauss's laws, ठीक है ना? तो वहां से आप जरूर पढ़िए और दो तीन बार पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपका जो कंसेप्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ी जो टर्म्स होगी उन्हें डिफाइन करूंगा और इलेक्ट्रिक फ्लो को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिलेट करेंगे वाटर या लिक्विड फ्लो से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादातर वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।